एंडोर्समेंट ऑफ चेक कंप्लीट हो गया था, अकाउंट पे ही चेक भी मैंने बता दिया आपको। तो क्या बातें हैं जी, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, चार्ज कार्ड। डेबिट कार्ड क्या होता है? अब आपको देखा होगा, प्लास्टिक कार्ड होता है। और यूज क्या होता है इसका? बैंक से पैसे निकलवा सकते हैं, एटीएम से, और पेमेंट कर सकते हैं, पेमेंट भी कर सकते हैं ना। जैसे कि शॉपिंग के लिए गए, अपना बिल जो है वो आप डेबिट कार्ड से पे कर सकते हैं। कार्ड आपको मशीन पर स्वाइप करेगा, पेमेंट हो जाती है ना। अच्छा, इसमें क्या होता है, जब आप डेबिट कार्ड से पे करते हैं तो जैसे ही वो दुकानदार आपका कार्ड मशीन पर स्वाइप करता है, आप तो आपके बैंक अकाउंट से पैसे इलेक्ट्रॉनिक के लिए दुकानदार के अकाउंट में ट्रांसफर हो जाते हैं, उसी टाइम पे हो जाते हैं। और जैसे क्या है, मीडियम अलाउइंग इंस्टेंट पेमेंट फ्रॉम कस्टमर अकाउंट टू द रिटेलर इलेक्ट्रॉनिक डिलीवरी, द प्रोसेसिंग विल टेक प्लेस थ्रू EFTPOS। एक सिस्टम का नाम है, इसके फुल फॉर्म क्या है, इलेक्ट्रॉनिक फंड्स ट्रांसफर एट पॉइंट ऑफ सेल। यानी जहां आप शॉपिंग करने गए वहीं पर आप जब कार्ड स्वाइप करते हैं तो इलेक्ट्रॉनिकली आपके अकाउंट से पैसे निकलकर शॉपकीपर के अकाउंट में सेल हो जाता है एट पॉइंट ऑफ सेल। EFTPOS enables the instant transfer of funds from bank account to purchaser of the purchaser to account of seller. अच्छा, डेबिट कार्ड से पेमेंट करने के लिए बैंक बैलेंस होना जरूरी है? अगर बैंक बैलेंस ना हो तो नहीं होती पेमेंट, सही है। और कितनी पेमेंट कर सकते हैं? जितना बैलेंस होता है आपका। क्रेडिट कार्ड ये भी प्लास्टिक कार्ड ही होता है ना, जो कि आप पेमेंट्स के लिए यूज करते हैं। अच्छा, क्रेडिट कार्ड का आपके बैंक अकाउंट से लिंक होता है क्या? क्रेडिट कार्ड का आपके बैंक अकाउंट से लिंक नहीं होता। इसका नाम ही क्या है, क्रेडिट उधार कार्ड। उधार, क्रेडिट मतलब उधार हो गया ना। इसका मतलब जब भी आप क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करेंगे तो मीन्स आप बैंक से उधार ले रहे हैं, आप पे लायबिलिटी आ रही है, ठीक है। और मंथ एंड पे फिर इसका बिल आता है, फिर बिल आपने पे करना हो। क्रेडिट कार्ड का आपके बैंक अकाउंट से कोई लिंक नहीं होता, अकाउंट में पैसे हो या ना हो आप पेमेंट कर सकते हैं। ओवरड्राफ्ट, इसका बैंक अकाउंट से कोई लिंक ही नहीं है। और इसकी एक लिमिट होती है, उस लिमिट तक आप पेमेंट कर सकते हैं, बैंक अकाउंट से उसका कोई लिंक नहीं। उधार ले रहे, उधार मत, बैंक से उधार ले रहे हैं आप, उधार पे करेंगे, मंथ एंड पे बिल आएगा, बिल आपने पे करना है। अकाउंट से ताल्लुक नहीं है ना, बैंक अकाउंट से ताल्लुक है बैंक अकाउंट, बैंक। और देखिए, डेबिट कार्ड सिर्फ उसी बैंक का बनता है जिस बैंक में आपका अकाउंट होता है, बाकी क्रेडिट कार्ड आप किसी भी बैंक का बनवा सकते हैं। यानी एक बैंक में आपका अकाउंट है और क्रेडिट कार्ड आप पांच बैंक के बनवा सकते हैं, पांच क्रेडिट कार्ड, एक दो तीन जितने बनाना चाहे बना सकते हैं। अच्छा, इसमें एक चीज और देखिए, जब क्रेडिट कार्ड का बिल आता है मंथ एंड पे, तो आप बिल आपके पे करने के लिए टाइम दिया जाता है, उस टाइम तक बिल पे कर दें और पे ना करें तो फिर क्या होगा? क्रेडिट कार्ड है, पूरा मंथ आपने शॉपिंग की, मंथ एंड पे बिल आया, बिल पे करने की ड्यू डेट होती है ना, हर बिल की एक ड्यू डेट होती है, तो अगर आप ड्यू डेट तक पे कर देंगे तो ठीक है, और अगर ड्यू डेट तक पे ना किया तो चार्जेस लगते हैं, कार्ड बंद नहीं होता, चार्जेस लगते हैं, फिर उस पर इंटरेस्ट लगेगा, नेक्स्ट मंथ कैरी फॉरवर्ड होता है। अच्छा, एक चीज और होती है, क्रेडिट कार्ड का जब बिल आता है तो फुल बिल पे करना जरूरी नहीं होता है, आप पार्ट पेमेंट भी कर सकते हैं, बाकी अमाउंट आपका नेक्स्ट मंथ कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा विद इंटरेस्ट, सही, कार्ड बंद नहीं होता। अच्छा, चार्ज कार्ड क्या होता है? अच्छा, चार्ज कार्ड क्रेडिट कार्ड ही होता है, एक ही चीज है दोनों, बस सिर्फ डिफरेंस क्या होता है कि क्रेडिट कार्ड का जब बिल आता है तो आपने फुल बिल पे करना जरूरी नहीं होता, आप पार्ट पेमेंट कर सकते हैं क्रेडिट कार्ड से, क्रेडिट कार्ड में पार्ट पेमेंट हो सकती है, बाकी अमाउंट आपका कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा विद इंटरेस्ट। चार्ज कार्ड में होता है कि फुल पेमेंट मस्ट होती है, कि अगर आपने ड्यू डेट तक फुल पेमेंट नहीं की तो आपका कार्ड ब्लॉक हो जाता है, ठीक। अच्छा, बाकी चार्ज कार्ड फिलहाल पाकिस्तान में नहीं होते, पाकिस्तान में क्रेडिट कार्ड ही होता है, चार्ज कार्ड नहीं होता। फिर स्टैंडिंग ऑर्डर, डायरेक्ट डेबिट पेमेंट, हमने बैंक रिकंसिलिएशन ऑफ डिस्कस किया था, स्टैंडिंग ऑर्डर और डायरेक्ट डेबिट, ये क्या होते हैं आपके ऑटोमेटिक पेमेंट फैसिलिटीज है जो बैंक अपने कस्टमर्स को देता है ना, मंथली, एक बार आप बैंक को इन्फॉर्म करते हैं और हर महीने आपके अकाउंट से ऑटोमेटिक पेमेंट्स
होती रहती है, आपको कहीं जाने की कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती। अच्छा डिफरेंस क्या होता है दोनों में, दोनों में डिफरेंस क्या है? सर स्टैंडिंग ऑर्डर फिक्स होते हैं, स्टैंडिंग ऑर्डर होता है जहां आपकी मंथली पेमेंट फिक्स होती है वहां यूज करेंगे स्टैंडिंग ऑर्डर पेमेंट, और जहां मंथली पेमेंट वेरी करती है वहां यूज करते हैं डायरेक्ट डेबिट पेमेंट। फॉर एग्जाम्पल एम्प्लॉयज को सैलरी पे करनी है, सैलरी फिक्स होती है, वो आप स्टैंडिंग ऑर्डर के थ्रू पे करेंगे। आपने इंस्टॉलमेंट पे गाड़ी ली है, गाड़ी की मंथली इंस्टॉलमेंट फिक्स होगी, स्टैंडिंग ऑर्डर से पे करेंगे। आपने बैंक से लोन लिया, लोन की इंस्टॉलमेंट फिक्स होगी, तो आप पेमेंट स्टैंडिंग ऑर्डर से कर सकते। अच्छा जैसे बिल्स आते हैं हमारे घर में, इलेक्ट्रिसिटी बिल्स, गैस का बिल, तो हर महीने का बिल वेरी करता है, तो बिल्स की पेमेंट आप करेंगे डायरेक्ट डेबिट के थ्रू, ये डिफरेंस है। और जो भी पेमेंट करेंगे आप स्टैंडिंग ऑर्डर डायरेक्ट डेबिट से, वो आपके बैंक स्टेटमेंट में रिफ्लेक्ट होगी कि आपने कितना अमाउंट पे किया। क्रेडिट ट्रांसफर क्या होता है? क्रेडिट ट्रांसफर एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में पैसे ट्रांसफर करना, तो ये ऑनलाइन भी हो जाते हैं और ऑफलाइन भी हो सकते हैं, क्रेडिट ट्रांसफर। अच्छा इसके बाद बैंकर्स ड्राफ्ट, तो पे ऑर्डर तो आप लोगों ने बनवाया होगा, पे ऑर्डर बैंक ड्राफ्ट कब बनवाया था? जब किसकी पेमेंट आपने कब बनवाया था लास्ट टाइम, क्या पे किया था, परसों बनवाया था, किसको पेमेंट की थी? पार्टी थी उसको पेमेंट की, ठीक है। हाँ आप लोगों ने कब बनवाया था, कभी बनाया पे ऑर्डर? नहीं बनवाया सर, देखा है कैसा होता है? 25 लाख मतलब पे ऑर्डर होता है जैसे पेमेंट के लिए यूज होता है। इसमें होता है क्या, जैसे आपने कॉलेज की फीस नहीं पे की थी, पे ऑर्डर कॉलेज में एडमिशन के टाइम पे बनवाया होगा ना कॉलेज में, तो वहां फीस भी होती है पे ऑर्डर से ना। पे ऑर्डर क्या होता है कि आप इसको बैंकर्स चेक भी कहते हैं, बैंक का चेक, यानी कि इसमें क्या होता है कि आप कैश लेके बैंक जाते हैं, बैंक को आप कैश देते हैं, बैंक आपको पे ऑर्डर या कह लें ड्राफ्ट बना के देता है। ये होता है कि एक चेक ही होता है, चेक की तरह का एक डॉक्यूमेंट होता है। अच्छा वो आप बैंक आपको बना के देगा, वो जाके आपने जिसको पेमेंट करनी है उसको दे देंगे, वो अपने अकाउंट में डिपॉजिट करवाएगा और उसके अकाउंट में पैसे ट्रांसफर हो जाते हैं। और जमा नहीं कराएंगे तो कैसे आएगा? एक चेक ही होता है कि मतलब ये समझें कि आप बैंक को पैसे दे रहे हैं, बैंक आपको चेक बना के दे रहा है, वो चेक आप उस पार्टी को देंगे, वो जमा करवाएगा अकाउंट में पैसे ट्रांसफर, ऐसे ही होता है। अच्छा तो फायदे क्या इसका, अपना चेक बना के देते हैं या ये ड्राफ्ट है, क्या फर्क पड़ता है, क्या डिफरेंस है दोनों? आप किसी को अपना चेक बना के दे रहे हैं या पे ऑर्डर बना के दें, ड्राफ्ट बना के दें, तो उसमें क्या डिफरेंस होगा? अपना जो चेक देंगे वो बाउंस हो सकता है, लेकिन पे ऑर्डर या बैंक ड्राफ्ट बाउंस नहीं, क्योंकि इसमें आप पहले बैंक को पेमेंट करते हैं, फिर बैंक आपको चेक बना के देता है, ड्राफ्ट बना के देता है, वो आप पार्टी को दे देते हैं, वो अपने अकाउंट में डिपॉजिट करवाते हैं, तो कंफर्म पेमेंट हो जाती है। तो जितनी बड़ी पेमेंट्स होती है ना, बड़ी पेमेंट्स वो होती है ड्राफ्ट या पे ऑर्डर के थ्रू। जैसे प्रॉपर्टी की बाइंग सेलिंग है लाखों करोड़ों में होती है वैल्यू, तो उसकी पेमेंट्स होती है बैंक ड्राफ्ट या पे ऑर्डर के थ्रू, क्योंकि ये सेफ होता है, इससे बाउंस के चांस नहीं होते जब तक ये जाली ना बनाओ, सही? तो ये पेमेंट का एक सेफ तरीका है, बैंक ड्राफ्ट या पे ऑर्डर। अच्छा फिर चेक गारंटी कार्ड, ये हमने बात कर ली इस पे अभी, गारंटी कार्ड भी बताया था ना, बैंक इशू करता है, यानी कि बैंक आपकी गारंटी ले रहा है कि आप इस अमाउंट तक का चेक इशू करेंगे, तो पे करना बैंक की जिम्मेदारी है, चाहे आपके अकाउंट में पैसे हो या ना, ठीक है जी, पेमेंट आपको मिल जाती है। फिर डेजिग्नेट सिग्नेटरी, कौन लोग होते हैं भाई? मतलब वो लोग जिन्हें चेक पे साइन करने की अथॉरिटी होती है। नॉर्मली ये टर्म यूज होती है कंपनीज में, जैसा अगर भाई देखें सोल ट्रेडर है तो आप तो खुद ही साइन करेंगे, पार्टनरशिप है तो पार्टनर साइन कर देंगे। कंपनीज में होता है कि आप चेक पे साइन कौन करे, तो कुछ लोगों को अथॉरिटी दी जाती है कि वो चेक पे साइन कर सकते हैं, तो वो कहलाते हैं डेजिग्नेट सिग्नेटरी। जैसे फॉर एग्जाम्पल कुछ इस तरह हो सकता है कि भाई अमाउंट आपको 5000 तक का चेक है, तो एक डायरेक्टर के साइन होंगे, चेक क्लियर हो जाएगा। 5000 मंथ से 10000 तक का चेक है, तो दो डायरेक्टर साइन करेंगे तो पेमेंट होगी। 10000 मंथ से 20 तक का चेक है, तो
वन डायरेक्टर प्लस वन फाइनेंस डायरेक्टर के साइन होंगे तो चेक आपका क्लियर होगा, और ओवर 20,000 है तो फिर मैनेजिंग डायरेक्टर चीफ एग्जीक्यूटिव या प्लस फाइनेंस डायरेक्टर के साइन होंगे तो चेक क्लियर। तो इस तरह से कंपनीज में अथॉरिटी दी जाती है कितने अमाउंट तक का चेक कौन साइन करेगा। तो इन लोगों को कहते हैं हम डेजिग्नेट सिग्नेटरी के जिन्हें गिवन सर्कमस्टांसेस में साइन करने की अथॉरिटी दी। ऑटोमेटिक बैंक पेमेंट ये पढ़ रहे हैं वो सब पुरानी बातें, इसमें डिलीट कर दें। और यहाँ पे ये खत्म ही हो गया ऑटोमेटिक ऑटोमेटिक बैंक पेमेंट्स और बैंक पेमेंट बीएसीएस, ये भी एक सिस्टम का नाम है, ये टर्म आपने देखी भी होगी किट वगैरह में कहीं, इसको डिलीट कर। ठीक